हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दिस इज संध्या पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही विशेष स्पेशल टॉपिक को लेकर के आई हूँ, जो कि हम सभी स्त्रियों के लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी है, यानी कि हरितालिका तीज के व्रत के बारे में, हरियाली तीज के बारे में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और से बहुत ही ज़रूरी व्रत है, जो कि हम सभी स्त्रियां करती हैं। हम सभी ने अपने घरों में पहले भी अपने मम्मी लोगों को, दादी लोगों को, नानी लोगों को इस व्रत को करते हुए देखा है। और ये बहुत ही कठिन व्रत होता है, क्योंकि इसमें अन्न जल कुछ भी नहीं लिया जाता है, और पूरे दिन निराहार रहकर, निर्जला रह कर के इस व्रत को करना होता है, और रात्रि में भी जागरण करना होता है। और तीन पहर की जो पूजा होती है, सायंकाल और से मध्य रात्रि और से फिर सुबह में, भोर में जो पूजा होती है शंकर जी की, तो इस प्रकार से पूजा करके और फिर किसी भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे करके प्रसाद का ग्रहण किया जाता है, और उसके बाद में जो है पारण किया जाता है, जल उसी वक्त लिया जाता है और फिर भोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो यह व्रत है, थोड़ा सा कठिन होता है पर बहुत ज़रूरी है। और इस व्रत को करने से हर स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की दीर्घायु के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए प्रत्येक स्त्री इस व्रत को अवश्य ही करती है। इसलिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष व्रत है, जो कि हम सभी को करना है। तो आज मैं आपको यह बताऊंगी कि यह जो हरियाली तीज है, हरितालिका तीज है, वह किस दिन है, किस तारीख को है, इसका जो मुहूर्त है और ये कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाली है, वह सभी जानकारी मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हरितालिका तीज दो दिन पड़ रही हैं, जैसे कि 29 तारीख को भी है और से 30 तारीख को है। किंतु हम सभी लोग उदय तिथि वाली जो तीज होती है उसी को मानते हैं, और सुबह पूरे दिन मानी जाती है, पूरी रात्रि मानी जाती है। तो जैसे हम सभी पहले से ही इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं कि जो सूर्यव्यापनी हरियाली तीज है उसका ही हम व्रत करेंगे, और उसी दिन हम शिव भगवान की, माता पार्वती की और गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। और बड़े ही विधि विधान से इस व्रत को करना होता है, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला होता है, और सभी की सुरक्षा करने के लिए, घर में उन्नति के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो शुभ मुहूर्त है वह क्या है। तो हरियाली तीज जो है 29 तारीख को 3:20 दोपहर से शुरू हो रही है। 29 तारीख को 3:20 दोपहर से प्रारंभ हो रहा है तीज तिथि का, और से यह रहने वाली है 30 तारीख के दोपहर 3:33 तक। तो जो सूर्यव्यापनी उदय तिथि वाली तीज है वह है 30 तारीख को, जिसका हम सभी लोग करते हैं। तो 30 तारीख को हम सभी को व्रत करना है, बड़े ही विधान से और धूमधाम से, खुशी के साथ। और इस व्रत में सभी स्त्रियां हाथों में मेहंदी लगाती हैं, 7 श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, माता पार्वती जी को भी 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं, उन्हें वस्त्र दिए जाते हैं, जो भी ब्राह्मण हमारे घर में आके पूजा करवाते हैं या हम जहाँ जाकर पूजा करते हैं, और जो भी हम लोग नैवेद्य बनाते हैं सब भगवान को अर्पित करके बहुत ही अच्छे से, मतलब शिव भगवान की पूजा इसमें की जाती है। शिव पार्वती जी का मिलन हुआ था इस दिन, इसलिए बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, बड़े ही भक्ति भाव से हम उनकी पूजन अर्चना करते हैं, हम हवन करते हैं और उनको मनाते हैं कि जिस तरह से उनका जीवन मंगलमय सुखमय हुआ है, उसी तरह से हम सभी का भी जीवन मंगलमय सुखमय हो। तो यह बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा और थोड़ा सा कठिन व्रत है, जिसे हम सभी को करना है। तो यह थी जानकारी कि तीज का जो व्रत है वह किस दिन है, किस तारीख को है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय माता दी।